अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फितने को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हम ये देखते हैं कि आजकल के दौर में कोई भी अमूमी राय बात पे, कोई भी अगर कोई दूसरी जरा सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए तो एकदम उसको कह देते हैं कोई नया फितना खड़ा हो रहा है। तो इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फितना कब होता है? इतना असल में ना एक ऐसी बेबसी या लाचारी को की स्टेट को कहते हैं कि जब इंसान इस काबिल ना रहे कि सिवाय गलती के या कम गलती के, दो चॉइसेस हैं, बहुत बड़ी गलती करनी हो या छोटी गलती करनी हो, वो बड़ा गुनाह करना पड़े अपनी जान बचाने के लिए या ईमान बचाने के लिए, या छोटा गुनाह करना सवाब की कोई वो ही ना हो, ऑप्शन ही ना हो आपके पास, उसको फितना कहते हैं उस स्टेट को। कि कोई ना कोई नुकसान, बड़ा नुकसान या छोटे नुकसान के बीच में से ऑप्शन मिल रही है आपको, बस ये है आपका बेसिक फितने का जो है ना, आपने कैसे देखना है इसको। अब जब कोई कहते हैं ना कि ये गांधी साहब नया फितना आ गया, तो मौदूदी एक फितना था और हजार और है, मैं आपके अभी के नाम लूँ फिर लोग समझेंगे शायद आई एम टेकिंग साइड्स हियर, गांधी साहब तो अभी भी हैं। तो इस केस के ऊपर इल्म जो है ना, इल्म वो फितने में डाल देना जो है ना, वो जहलियत की या इल्म की कमी की या कज फहमी की सबसे बड़ी निशानी में से एक। क्या बेवसी लग रही है आपको कि आपके पास समझ लें गांधी साहब का कोई फलसफा आ गया, तो क्या बेवसी है? और किताबें पढ़ लें आप, अगर वो कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आप और डीप रिसर्च करें कि आप उसको काउंटर आर्ग्यू कर सकें। मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी है, किसी ने क्या जबरदस्ती करनी है आपके ऊपर? आप ये कहें कि वो आम आवाम को फितने में डाल रहे हैं, तो फिर आम आवाम को आप फितने से इल्म के थ्रू निकालें या उनसे एक फर्द के तौर पे उस बंदे को चाहिए किताबें पढ़ के खुद ही निकला है गांधी साहब के फितने से, या जिसको भी फितना कहते हैं मौदूदी साहब के फितने से। इवन दो मौदूदी साहब को और गांधी साहब को मैं एक ही जुमले में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब किसी भी, अब मैं देवबंदी स्कॉलर्स को पढ़ता हूँ, आसिफ अली थानवी साहब को बहुत तफसील से, एंड आई थिंक ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिनको मैं आई रियली रिवियर दिस मैन, थॉट बहुत शार्प बिल्ड की, मौलाना मोहम्मद शफी को, फिर मौदूदी साहब इज वन ऑफ द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन माई ओन माइंड। दोनों बिल्कुल काउंटर करते हैं दूसरे को कई जगहों के ऊपर, मगर दोनों इकट्ठे कैसे ले सकता है एक इंसान? जब दोनों को पढ़ेगा तफसील में और फिर इनके अलावा भी लोगों को पढ़ेगा जो इजमा है इतने बड़े बड़े जइयद उलमा का, तब आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इतनी ताकतवर है वो लेनी पड़ेंगी आपको। और एक फलसफे की औज पे पहुंच गया सैयद अबू आला मौदूदी जो है, फिर अशरफ अली थानवी भी, अब मौलाना मोहम्मद शफी भी, तकी उस्मानी साहब भी, वेरी शार्प पीपल। इनको पढ़े बगैर तो आप फिर मतलब इनको ना पढ़ना असल में फितना है, अपने आप को फितने में उन लोगों ने डाला जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, बस सुनी सुनाई मस्जिद में जुम्मे या खुतबा सुनते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ नॉलेज है अगर आपका कि इस्लाम उतना है जितना जुम्मे के खुतबे में आपने सुन लिया, तो फिर तो आपके इस्लाम की कोई भी चीज़ आपके लिए फितना हो जाएगी, क्योंकि वो मौलवी साहब को तो नहीं पता, उन्होंने क्या पता कि यू नो क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको लाहक हो जानी आ गई। सो जब इल्मी सतह के ऊपर को कहना वो फितना फैला दिया, फितना फैला दिया, तो मैं नहीं, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। मुतज़िला का फितना था एक, जिन्होंने एक ज़बरदस्ती खलीफा के दरबार को इस्तेमाल करके मुतज़िला का फितना फैलाया था, वरना मुतज़िला फितना तो नहीं था। अगर मामून रशीद ना होता तो फितना ही नहीं था मुतज़िला का। आम बंदा गली मोहल्ले में चौबारे पे खड़ा होकर नारे मार रहा, बेशक इस्लाम के खिलाफ, फितना थोड़ी। जब तक कोई पावर इस्तेमाल होकर जबरदस्ती नहीं होगी, बेबसी नहीं होगी, बड़े और छोटे नुकसान के बीच में फैसला नहीं होगा। अहमद बिन हम्बल को आप तफसील से पढ़े, आपको पता चले फितना होता क्या है। मामून रशीद को इक्वेशन से बाहर निकालें, देखता हूँ कहाँ से मुतज़िला को फितना है। आम आवाम तो बड़े बड़े स्कॉलर्स को ही फॉलो करी थी, बिल्कुल इस तरीके से अभी भी किसने क्या जबरदस्ती की आपके ऊपर? असल में तो फितना अमेरिका है, असल में फितना इसराइल है, असल में फितना हमारी ये पार्लियामेंट हाउस है, ये असली फितना। ये गांधी और मौदूदी को फितना बना के बैठे हुए, क्या जबरदस्ती करते हैं ये लोग? कौन से डंडे से हाथ के उन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं मौदूदी को हम मानोगे नहीं तो गोली मार देंगे? ये तो पार्लियामेंट हाउस है असल में फितना हमारे ऊपर। तो ये जिस तरीके की ये गबन कर दी इन्होंने सोच को बरतानिया और अमरीका की, प्रॉपर एक फिलोसॉफिकल थाट को पाकिस्तान में इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, वो है असल में फितना।
और कौन सा किताब कहाँ से फितना हो गई, दूसरी किताब पढ़ लें आप या उसी किताब को काउंटर करने के लिए एक अपना इल्म बढ़ा लें, वो कौन सा फितना है? किताब के पढ़ने के लिए कौन सी कोई मेहनत चाहिए, पैसे चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए आपके लिए? वक्त चाहिए। अब वक्त जहाँ पे लग रहा है आपका और नौकरियाँ आपकी वो गुलामी है, वो असल में फितना। फिर तो अगर एक किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं बच रहा तो असल में तो फितने में आप अपनी नौकरी की वजह से। मैंने कभी भी और ज़ाहिर है मैंने मेरे ऊपर ज़ाहिर है हर बंदे पर इल्ज़ाम लगते हैं कि जो ऐसी बात करता है कि जी जो लोगों ने अपने अपने जुम्मे के खुतबे में नहीं सुनी होती। जिस बंदे ने भी कुरान पाक का मुताला किया हुआ है और स्कॉलर्स को पढ़ा हुआ है वो मेरी किसी भी वीडियो को देख के ये नहीं कह सकता कि हाँ कोई नई बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता अली बिन अबी तालिब से काम में बात नहीं करता, उमर बिन खत्ताब से काम में कोटेशन नहीं बोलता, मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा। जब उलमा कराम सूरह कहफ ले लें फॉर एग्जाम्पल, सूरह कहफ की मैंने तशरीह की या नूह का बयान किया, अब जिसने भी इब्ने कसीर पढ़ी हुई है उसको पता है कि मैं इब्ने कसीर डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ, मैंने अपनी राय तो कहीं पर बनाई या बताई नहीं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी राय बनाई भी होती कहीं भी जगहों पर, मैं इस्तदलाल इब्ने कसीर करके उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, ये देखो अब हमें कतईयत से इल्म हासिल हो गया बिल्कुल, या ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं मानना। मैं हमेशा उस चीज़ को काउंटर करता हूँ, इस्तदलाल सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, अबू बकर सिद्दीक का कोई कॉल या उमर बिन खत्ताब का या अली बिन अबी तालिब का, इससे कम कोई बात कर रहे तो वो फितना है असल में कि जो तू साहबा को काउंटर कर रहे इब्ने कसीर ने रकम कर दी बात, और कभी अहदीस भी थे। सो इल्म जो है ना फितना तब बनता है जब आपकी सुस्ती और आड़ी और आपकी आड़े आ जाए, झालत आपकी आड़े आ जाए। क्यों? वक्त की किल्लत है आपके पास, इतने बिजी हैं अपने अपने बॉस को खुश करने में, अपने बिजनेस चमकाने में, कि एक किताब और पढ़ नहीं सकते कि साहिल मियां ने कोई बात की है वो गलत क्यों है। हर बंदा जो है ना वो फितने का शिकार है, क्यों? क्योंकि वक्त की किल्लत है, किताबों की किल्लत किसी के पास नहीं। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि 1400 साल से कुरान एक रेडी वाले के भी एक्सेस में अल्लाह ने रखा हुआ है। ये वाहिद किताब है जो अल्लाह ताला जिसके ऊपर प्राइस नहीं लगने दे रहे। जिसने कुरान पढ़ना है 5 मिनट के फासले में मस्जिद में 500 नुस्खे मुफ्त में पढ़े हुए, ऐसी ऐसी तफसीर मुफ्त में मिलती हैं। ये ऐसा अल्लाह ताला का एहसान है कि ना सिर्फ कुरान को सेव किया बल्कि एक्सेसिबल भी करके दिया आपको, आप पढ़ लें जाके। सो कोई एक स्कॉलर का फितना बनता है ना तो ये आप असल में वो आपकी लाइफ स्टाइल है जो फितना बन रही है, जिसकी वजह से वो स्कॉलर जो है ना वो आप उसको काउंटर नहीं कर सक रहे। मेरी कोई बात आपको वो लगती है कि जी मैं कोई अनोखी बात कर रहा हूँ तो आप पढ़ लें, आप सुन लें मेरी बात, उसके खिलाफ बातें सुन लें, आपको पता चल जाएगा मैं फितना हूँ कि नहीं, या कोई भी बंदा फितना है कि नहीं। सो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा फितने की नस क्या है, उसकी इसके कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है इसके पीछे, तब तक किसी को भी फितना कह देना आप खुद फितना है। फिर आप अपने बच्चों के लिए फितना है जो फितने को कैजुअली इस्तेमाल करें, हर चीज को फितने में डाल दिया। इतना कोई क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है फितने का। अब दज्जाल को ले लें, दज्जाल के फितना क्यों है? एक बंदा आया, उसने कह दिया मैं अल्लाह हूं, मैं नबी हूं, पहले कहेगा, फिर बाद में कहेगा मैं खुदा हूं, वो फितना कैसे हो गया? कल कोई गली का मोहल्ले का बंदा उठ के कह दे मैं, तो वो फितना है? दौड़ लगाओ उसको, जेल में डालो उसको। तजाल के साथ ये कुछ कर नहीं सकेंगे आप, इसीलिए फितना है। जत्थे इकट्ठे हो जाएंगे, करोड़ों नहीं अरबों लोग तजाल के ऊपर बैठ करके ऊपर फोर्स के, क्या मतलब अरब रेडी वाले इकट्ठे होंगे? नहीं, गवर्नमेंट से इकट्ठी हो जाएंगे, उसके पीछे पॉलिटिकल पावर इकट्ठी हो जाएगी, आर्मी से इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए फितना बनेगा। वरना एक बंदे ने कौन सी क्या कर लेना किसी का। सो अंडरस्टैंड फितन का मतलब क्या है। फितन बेबसी का नाम है, वो बेबसी उलमा कराम के खिलाफ नहीं हो सकती या उनकी वजह से नहीं हो सकती। बहुत ही बड़ा मसला है कि अगर आप इसको कैजुअली लें, एक कुव्वत है, एक बंदे ने कहीं से अचीव की है, वो अपने आप को गलती के ऊपर जो है ना वो मुनसर करके अपनी कुव्वत का इस्तेमाल कर रहा था, अब तक वो फितने में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब आप खुद देख लें असल में फितन कहाँ पे है। फितन हमारे घरों में है, असल में फितन उस मुरवजा मामलात के अंदर है कि जो खुद अपने ऊपर खुद लागू किए हुए हैं आपने, ऐसे किए हुए हैं कि मतलब खुद बताएं आप। एक मेरी वीडियो चले इधर और वो लोगों को लगे कि नई बात कर रहा है, मुझे तो वो बंदे फितना लगते हैं। वो है असल में फितना कि जो जत्थों में है इस वक्त, कुरान नहीं अरबों में है, कि जो जिन्होंने तहिया किया कि कुरान नहीं खोलेंगे हम, जब तक बेटी की शादी नहीं होगी कुरान हाथ में भी नहीं पकड़ेंगे हम, क्योंकि उसके सर पर रखना होता है। ये जब इतना बड़ा जत्था और इतनी बड़ी फोर्स क्रिएट होगी तो एक रेला बनता है, वो है फितना। इंफरादी तौर पर कोई बंदे की क्या औकात की वो फितना बने। So, बहुत ध्यान में रखें इस बात को, जब तक आपको खुद नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है तो आप खुद एक फितन के क्रिएटर हैं,
नथिंग एल्स, अपने बच्चों के लिए फितने, क्योंकि बाप तो बच्चे के लिए फोर्स होता है। फिर बच्चा अरे उसी रूटीन में अपनी दुकान में बैठने के लिए गल्ला संभालने के लिए बड़ा हो रहा है, तो उसने तो यही समझना जो बाप ने बताया वही दीन है। तो फिर बाप फितन हुआ ना बच्चे के लिए, मां फितन हुई जो डराती फिरती है बच्चे को। सोचें तो सही किस 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 बिना के ऊपर आपको आपको ये लग रहा है कि कोई भी एक बंदा अपनी किताब लिखता है तो फितना बन जाता है, या कोई वीडियो रिलीज करता है फितना बन जाता है। ऐसे ही अपने आप को दिलासे दे रहे हैं बैठ के, ताकि जो सुनी सुनाई बात है कर दी, मेरे मौलवी साहब ने कोई और बात की थी, साहिल मियां ने कोई और बात करी, साहिल मियां फितना। आपने आपको ये कहां से यकीन आया कि कोई आपका मौलवी दुरुस्त है या मैं दुरुस्त हूं? कैसे पता चला? कौन सी किताब पढ़ी आपने जो मेरे खुतबा सुन के आप फितन का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? गलत कितनी गहराइयों में हम इस वक्त, जब तक कोई रिसर्च नहीं की जाती, और वो भी उस तरह की रिसर्च कि जिसके ऊपर सहाबा या ताबईन से डायरेक्ट इस्तदलाल नहीं हो रहा, प्रॉफिट सल्लम की हदीस इस्तंबात के पिलर खड़े हैं उसके ऊपर जाके सहाबा को, सहाबा भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं लेते, नबी अलैहिस्सलाम का फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं, तब तक वीडियो के ऊपर कॉन्टेंट नहीं बनता। दो महीने लग जाते रिसर्च में, आपने पढ़ा नहीं, वो फितना है साहिल साहब, फितना है जी, वो नई बात करते हैं, नई बात आपके लिए तो होगी, आपको तो मैं 2+2 भी बोलूंगा तो नई बात होगी, आपने कि मैं ऐसी किताब ही नहीं खोली हुई। तो सोचें तो सही, फितना तो आप लोग हैं कि जो बैठे हुए इस वक्त के, नहीं मैंने नहीं खोलना कोई बात। कुरान पाक की सूरतें चीख चीख के बता रही हैं, आयतें चीख चीख के बता रही हैं। साहिल मियां ने पोर्टल का कॉन्सेप्ट दे दिया, सूरह मारिज का क्या मतलब सुनिया आपने? मारिज किसे कहते हैं? किस चीज की जमा है? पोर्टल्स नहीं है, सूरत का नाम पोर्टल्स नहीं है? तला नहीं बताया कि पोर्टल्स हैं, कहां से रास्ते हैं? टाइम भी बता दिया कितने देर में उस रास्ते से पहुंचता है फरिश्ता नीचे। ये कोई नया लफ्ज है? कुरान पढ़ा ही नहीं, बस फितना हो गया, पोर्टल्स बोल दिया। दज्जाल सहाबा से मिलकर आया, अभी तो दज्जाल ने पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो कैसे मिलकर आ गया? और नई बात कर दी साहिल साहब ने, हदीसें ही नहीं पढ़ी हुई आपने। तो फितना वो बंदा है, वो ग्रोह बन गया इस वक्त, जहालत का वो ग्रोह, वो असल में फितना है। बाकी वो किन के लिए फितना है? मेरे लिए फितना नहीं, उन बच्चों के लिए फितना है जो उनके घरों में पढ़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो समझते हैं अब्बा जी जो है ना कुल इल्म है, हर इंसान का समझता है अपना बाप मेरा कुल इल्म है। तो ये फितन क्या है समझें इसको, ऐसे नहीं कैजुअली हर एक पे गोली चलानी शुरू कर देंगे कौन फितना है।